कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। अभी हम लोग MCH बिल्डिंग जो कि लेबर रूम के लिए था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में, क्योंकि केस बढ़ रहा है। तो अभी हमारे यहाँ लोकल हॉस्पिटल, अल्पसंख्यक छात्रावास और एक यहाँ पर कोविड केयर सेंटर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आवश्यकता अनुसार बंद पड़े हुए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में, जैसे कि पिलखी, सरैया की पुरानी बिल्डिंग एवं अन ऑल एक दो जगह है जहाँ की खुलने की संभावना हो सकती है आवश्यकता अनुसार। विभाग वगैरह को सर विभाग को सूचित किया जाएगा, विभाग वगैरह को सूचित किया जाएगा, वहाँ से परमिशन के बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। सिचुएशन क्रिटिकल है सर, ऐसे में तो सरकारी अस्पताल को चालू करने की पहल होनी चाहिए। पहल हो रही है, काफ़ी चल रहा है, नित प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। और कुछ हम लोग के पास HR वगैरह की कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है विभिन्न संस्थानों में, तो उनको जहाँ होते होते सब लोग कर लेंगे। अस्पताल खुलना महा जरूरी है, यहाँ पर बहुत लोग के कष्ट, रात बिहार लोग के मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। अभी कोरोना के समय कोरोना के कारण बहुत तकलीफ है लोग के यहाँ बिहार में। बहुत लाभ मिलता कि खुलना चाहिए। कितना दिन से बंद है? बंद तो शुरू से बनल तो खुलल कहाँ, खुला कहाँ। ये जो पिलखी में जो अस्पताल है, बहुत ही बहुमूल्य जमीन लोगों ने दान देके और सरकार ने वहाँ भवन बनवाया, लेकिन बहुत ही दुख एवं खेद का बात है कि भवन तो सरकार बनवा दी लेकिन आज तक वो अस्पताल का रूप नहीं ले पाई। अभी जो कोरोना का काल है, इसमें अगर उस भवन में कोविड केयर सेंटर के रूप में संसाधन उपलब्ध करा के कोविड केयर अस्पताल शुरू कर दिया जाए तो 2 विधानसभा 4 ब्लॉक के लगभग 150 पंचायत को उससे लाभ होगा। और इतना ही नहीं, बगल में समस्तीपुर जिला का जो पूसा ब्लॉक है उससे भी उसको लाभ होगा। वो स्टेट हाईवे मुजफ्फरपुर पूसा पथ के बगल में स्थित है पिलखी अस्पताल, और उसको कोविड केयर सेंटर के रूप में चलाया जाना चाहिए। सहूलियत का बहुत बड़ा सहूलियत होता है, चूँकि ये लगभग गायघाट, सकरा और बोछा 3 विधानसभा का सेंटर है, जिसमें लगभग 148 पंचायत इससे जुड़ता है, और बगल में समस्तीपुर का पूसा पड़ता है, तो पूसा प्रखंड के लोग भी इसी रास्ते से आते हैं, तो एक बहुत बड़ा लाभ मिलता। और क्षेत्र में भी तमाम जो अभी बहुत सारे लोग जो कमज़ोर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज जगह नहीं मिल रहा है, अस्थायी अस्पताल खोलने की बात सरकार कर रही है, अस्थायी अस्पताल बंद है। और निश्चित सरकार पर इसको ध्यान देना चाहिए। हम लोग ऐसे मुख्य सचिव महोदय से मिलने वाले हैं तुरंत की।